আছে অলপ আগত আমাৰ বন্ধুয়ে কৈ গৈছে যে আমাৰ ইয়াত দাম আছে কিন্তু বজাৰ নাই কথাকে কেহকে দিয়ে হে জয় জওয়ান জয় কিষাণ আজকে মেলত আমাৰ দেশৰ এক গুণ জওয়ান আৰু কিষাণ এই জওয়ান আমাৰ দেশক ৰক্ষা কৰে আৰু কিষাণ के बिना हम লোক পেট নেই ভৰ সকতে नमस्कार सब आप सभी को, मैं गुमसों लगांग आप सभी को अरुणाचल टुडे में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश फार्मर डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम मिलने आए हैं। आज यहाँ पे उनका कुछ फंक्शन रखा गया था, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और काफ़ी चीज़ जानने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको अरुणाचल टुडे में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मैं सीधे मुद्दे में बात करता हूं, जैसे कि आपके स्पीच के दौरान हमने काफ़ी चीज़ सुने थे, तो उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे अभी। सर जैसे कि आपने कहा कि खास करके जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट पे बोर्डुमसा जो सर्कल है वहाँ पे एक मंडे मार्केट है, तो मंडे मार्केट को सब्जी मंडी में बदलना है बोल के आपने रखा गया है आपके स्पीच के दौरान, उसके ऊपर आप थोड़ा विस्तार में हमें बताइए। थैंक यू अरुणाचल टुडे को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, थैंक यू भी देता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम को हाईलाइट करने के लिए आया है। तो एक्चुअली ये मंडी जो है हमारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोरडुमसा एक ऐसा फर्टाइल प्लेस है जिसमें हर तरह का वेजिटेबल क्रॉप्स, कैश क्रॉप हो, सीरियल क्रॉप्स हो, यहाँ होता है। लेकिन ये बाज़ार नहीं होने के कारण से हमारा किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट और यहाँ का लोकल जो विधायक है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मंडे मार्केट है, वीकली जो मार्केट है, उसको डेली मार्केट में कन्वर्ट करके हमारा किसानों का थोड़ा मदद करे। अगर मंडी हो जाने से आसपास का जो गांव है वहां के लोग वहां मैंने जा करके अपना प्रोडक्ट को एक अच्छा दाम में बेच सकेगा। अभी तो हम लोग जहाँ भी बिक्री करता है तो मिडिल मैन को ही देना पड़ता है, जैसे कि अभी तामूल का सीजन है, तामूल भी हमारा यहाँ पर अगर इस तरह का सुविधा हो, बाज़ार का सुविधा हो, तो ये उसका अच्छा दाम मिलेगा। जी जी जी। तो इसीलिए यहाँ मंडी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, आपके स्पीच के दौरान हमने और एक चीज़ देखा था, जैसे कि आपने कहा था कि एमएलए लेट फंड में जो 50% जो फंड होते हैं उसको खास करके कल्टीवेशन में लगाना चाहिए, आपने कहा था, तो उसके ऊपर मतलब आप थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए कि किस प्रकार से ये मुमकिन है और आप किस प्रकार से मतलब ये उनको रिक्वेस्ट करेंगे या प्लेस करेंगे। हाँ, ये एमएलए लेट का जो कम से कम 50% भी अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में उसको यूटिलाइज करे तो अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट जो है गांव का एकदम ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट होगा। ये अभी जो डेवलपमेंट नहीं है बोल करके मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन अगर 50% अगर हम उसको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पर डिवोट करेंगे तो हमारा जो फार्मर्स है सबसे ज़्यादा खुशहाली और आत्मनिर्भर होने के लिए एक रास्ता निकलेगा। तो इसीलिए मैं सभी हमारे अरुणाचल प्रदेश का 60 MLAs है उनसे हमारा और CM से भी, डिप्टी CM से भी मेरा आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये फंडिंग जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पर 50% ऑफ एमएलए लेट को देने के लिए, तब जा कर के हमारा फार्मर्स जो है आत्मनिर्भर बन पाएगा। अच्छा, आपने और एक चीज़ कहा था आपके स्पीच के दौरान, काफ़ी अच्छा बात कहा था, जो कि कार्गो बस के ऊपर में आपने चर्चा किया था, तो वो कार्गो बस जो कि सीधे हमारे बोरडुमसा से लेके ईटानगर जो कि हमारे प्रदेश की कैपिटल है वहाँ सीधे पहुँचाया जा सके, जो कि हमारे फार्मर्स जो उगाते हैं डायरेक्ट मार्केट हमारे कैपिटल में बेचा जा सके, तो इसके लिए आपने कार्गो बस के लिए अपील किया गया था, वो अपील किसको किया गया था, मतलब खास करके हमारे MLA साहब को या हमारे डिपार्टमेंट को या किसको या सरकार को, उसको थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। हाँ, ये कार्गो बस एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये एक हमारा बहुत मेजर प्रॉब्लम है।
क्योंकि यहाँ का जो प्रोडक्ट है हम दूसरा जगह में भी ले जा कर के बेच सकता है, लेकिन अगर हमारा पास इस तरह का सुविधा हो, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा हो, तो एक कार्गो बस अगर यहाँ होता तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है हम चांगलांग खुनसा अप टू लोंगडिंग तक जो है हम इजीली एक चीपेस्ट फेयर में हम लोग वहाँ तक पहुँचा पाएगा, और वहाँ के लोग जो है लोकल लोग भी थोड़ा चीप में सब्जी वगैरह वहाँ पर ख़रीद करके खा सकेगा। और यहाँ से मैंने अगर ईटानगर सेम ईटानगर तक भी एक कार्गो होने से सफिशिएंट है, तीन दिन जो है वीकली ट्राइस जो है ये लोंगडिंग खुनसा रूट पर चलेगा जी। और वीकली ट्राइस जो है बोडुमसा टू ईटानगर डायरेक्ट अप्लाई करेगा। अच्छा, तो मेरे साथ अभी सीनियर साइंटिस्ट के वी के जोरामपुर से है, इनसे हम जानने के लिए प्रयास करेंगे कि सर आप आपकी डिपार्टमेंट किस प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं उनको किस प्रकार से आप लोग सहयोग कर सकेंगे और किस प्रकार से करके आ रहे हो, थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए, फार्मर अपना ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से फार्मिंग कर रहा है तो उसमें उतना लाभ नहीं हो रहा है जी। केवीके का मेन मोटो यही है, मेन रोल यही है कि फार्मर को नया नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी सुनाए, मतलब उसको समझाए सिखाए। अभी क्या है कि चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, वेटनरी है, फिशरी है, सारे सेक्टर में केवीके के पास में साइंटिस्ट होते हैं और नीड बेस्ड जहाँ भी ज़रूरत होती है फार्मर को उस बेस पे हम हमेशा उनके लिए जो है अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी देने के प्रयास करते हैं। अच्छा सर, तो जैसे कि हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उन लोग का जो, जैसे कि आपके स्पीच के दौरान भी आपने कहा था कि ऑफ सीजन में भी कुछ सामान उगा सकते हैं, कुछ फल उगा सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं, तो मतलब सर ये हमारे जो किसान भाई हैं वो लोग जैसे कि आप तो बारवेली तो बता देंगे, तो हमारे किसान भाई किस प्रकार से इसको लागू करेंगे उसको भी थोड़ा बताएं। नहीं, बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, इजी है। मान के चलिए कॉलीफ्लावर है जी, कैबेज है, टोमेटो है जी। जब सीजन नहीं होता है तो ऑफ सीजन में उसके लिए ग्रीन हाउस में हम प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, और ग्रीन हाउस जो केवीके जो बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी देता है जी। बहुत कॉस्टली नहीं देता है, बस एक आपका पॉलीथीन चाहिए जी। और बम्बू से ही हम उसको कंस्ट्रक्ट करा देते हैं, बहुत मिनिमम उसमें प्राइस में उसको करा देते हैं।